नमस्कार साथियों, आप लोगों ने अभी नई LLB की है, अब आप वकालत शुरू करने जा रहे हैं तो आप वकालत में अपना नाम वो कमाई कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूँ। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपका नाम भी होगा वकालत में, वो कमाई भी अच्छी खासी होगी। तो सबसे पहले आप जब भी LLB आपकी कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको बार एसोसिएशन में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आप नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब आप क्या करें, आपका फैमिली बैकग्राउंड वकाला से नहीं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड वकाला से है वो तो पापा चाचा जो भी है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप किसको ज्वाइन करें, आप सबसे पहले एक काम करें, सीनियर अधिवक्ता को ज्वाइन करें। कोई भी सीनियर ऑफिस ज्वाइन कर ले। अब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अगर आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तब आपको सीनियर रेस्पेक्ट देना है। जितना आप सीनियर को रेस्पेक्ट दोगे उतना आप ज़्यादा सीख सकोगे, है ना। एक जैसे कहा था ना, बेटा बनकर खा सकता है, बाप बनकर खा नहीं सकता। तो आपको हमेशा सीनियर जूनियर को रिकॉर्ड देना है, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड नेक्स्ट बात का इस चीज़ का ध्यान रखें, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। क्यों, अभी तक लोगों को पता नहीं कि आप एडवोकेट बन गए हो, तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना। प्रॉपर यूनिफॉर्म बोले तो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, या जो एडवोकेट की दो धारी वाली पैंट है वो पैंट, और ब्लैक कोट, ये कंप्लीट ड्रेसअप में जाएं। उससे आपकी आइडेंटिफाइड होगी, हाँ यार ये बंदा वकील है। आप अगर कॉलोनी से भी निकलोगे गाड़ी में या कार में बाइक जिसे भी आप जाते हो, तो लोगों को पता चलेगा हाँ यार ये वकील साहब है, तो आपको कुछ ना कुछ वो लोग भी आपको काम देंगे। इस प्रकार से आप अपनी आइडेंटिफाइड कराएं। कोर्ट में भी लोगों को भी पता चलेगा हाँ, दूसरे वकीलों को पता हाँ ये वकील साहब है। जो कोर्ट में जो अधिकारी है या जज साहब है उनको भी पता चलेगा हाँ यार ये वकील है। अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखने बाद में आप जितने भी सीनियर अधिवक्ता है वो किस प्रकार से जज से बात करते हैं, किस प्रकार से जीरे करते हैं, या किस प्रकार से फाइल प्रोसीडिंग करते हैं, या किस प्रकार से बहस करते हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी और सीखनी है। नेक्स्ट बात, जब आप नए होते हो, सोचो आप सोच रहे हो कि मैं तो डायरेक्ट वकील बन गया, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दूं, तो आपको बेसिक चीज ध्यान नहीं होगा कि कौन सा कोर्ट कहां पर आया हुआ है, कौन सा कोर्ट कहां पर नहीं है, कौन सी फाइल कहां पेश करनी है नहीं करनी है। तो ये चीज भी आपको बेसिक चीज भी आनी जरूरी है। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सॉली आप अच्छे वकील बन सकते हो। और फिर एक चीज़ और आपके दिमाग में डाउट होगा कि यार मैं सिविल में प्रैक्टिस करूं या क्रिमिनल में प्रैक्टिस करूं, ये आपके दिमाग में डाउट होगा। या फिर ये डाउट होगा कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूं या नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करूं। तो मेरा एक मानना है कि सबसे पहले आप ट्रायल कोर्ट में ही प्रैक्टिस शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा आप हाई कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करें। ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस करने से आपको जो पूरी जो वकालत की जानकारी वो सीख जाओगे। जितना आप हाई कोर्ट में नहीं सीख सकते उतना ट्रायल कोर्ट में ज़्यादा सीख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक या दो साल ट्रायल कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाद में भले आप हाई कोर्ट ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर बातें आप ध्यान रखते हो तो आप अच्छे खासे वकील बन सकते हो, अच्छी खासे आपकी कमाई हो सकती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके तहत आपकी अच्छी खासी वकालत चल सकती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है। अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इसे लाइक करें, वो प्यारा सा कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हेलो हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन बटन को पुश करके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई कानूनी जानकारी मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।